गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्या देखिए, ये फ्लैग। क्या ये फ्लैग? फ्लैग मीन्स क्या होता है? झंडा है ना। देखिए इसको कब फहराते हैं हम? 15 अगस्त और 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है। अब ये देखिए क्या बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है ये फ्लैग बनाना है। आपको भी अपनी कॉपी में क्या करना है, पेंसिल लेके अपनी ड्राइंग बुक होगी उसमें कलर, सॉरी झंडा बना के ये फ्लैग का चित्र बना के, देखिए हम बनाए ना, और इसमें कलर करके आपको हमारे नंबर में सेंड करना है। अभी देखिए ऊपर क्या, ये ऑरेंज कलर। ऊपर कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो यहाँ कौन सा कलर करना है? ऑरेंज कलर। फिर बीच में तो व्हाइट रहती है ड्राइंग बुक, तो बीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसमें नीला कर देना है इसके चक्र में। और ये देखिए नीचे कौन सा कलर है इसके? ग्रीन। तो आपको इसमें ग्रीन कलर मोम से कर देना है, मोम कलर जो होते हैं ना अपने। अभी देखिए ये 3 खंड भी बने हुए जिसमें झंडा लगा हुआ होता है, तो इसमें भी आपको मैरून कुछ भी कलर इसमें आपको कर देना है, ठीक है। फिर इसकी ये क्या देखिए, डोर है। ये क्या? डोरी, जिससे झंडा फहराते हैं। जिस दिन झंडा फहराते हैं तो क्या है, झंडे में फूल बंधा हुआ रहता है ऊपर, फिर इसको ये डोरी की लाते हैं तो फूल नीचे गिर जाते हैं, झंडा फहरने लगता है ना। इसी तरह क्या करना है आपको, आज चित्र बना के इसका और हमारे नंबर में सेंड करना है। अब हम आपको ये जो कलर दिए हुए हैं ना, ये अब इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी बताए थे कि हम ये रंगों के बारे में बता रहे हैं ना। ये किसका बताइए? ये केसरिया रंग प्रगति का होता है, ठीक है। और ये सफ़ेद कलर शांति का प्रतीक होता है। हरा कलर हरियाली का, खुशहाली का भी होता है, ठीक है। ये हम समझा दिए आपको। अब आपको क्या करना है, चित्र बनाकर झंडे का भेजना है। अभी हम आपको बना के यहाँ समझाए थे, देखिए बहुत ही सरल है। ये सीधी लाइन खींचना है, यहाँ करना है, फिर यहाँ 4 लाइन खींच देनी है, फिर ये साइड में करके बीच में चक्र बना देना है, फिर एक डोरी बना देनी है, ठीक है। धन्यवाद।